देखो कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि स्ट्रक्चर सही से बना है कि नहीं बना। जो कंक्रीट आपका कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट यूज कर रहा है वो सही है कि नहीं। तो क्यूब टेस्ट, कंक्रीट टेस्ट का आज सब कुछ बताने वाला हूं कंप्लीट। अगर ये वीडियो देख ली तो क्यूब टेस्ट के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे करना है प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा, फ्री में सिविल साइट विजिट चैनल ही आपको बताएगा। तो हम प्रोसीजर भी करेंगे कि अगर बाई चांस फेल हो जाता है तो क्या करना है। बाई चांस जो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, दो क्यों फेल हो गए, क्या करना है, मतलब सब कुछ पता चलेगा। तो टीएम हमारा आ गया, ट्रांजिट मिक्सचर आ गया, कंक्रीट आ गया, उसका सैंपल लेना पड़ेगा। तो कितने सैंपल आपको लेने होते हैं कंक्रीट के, सबसे पहले वो जानना है। वो जान लिया फिर हम उसका प्रोसीजर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो ये अगर पहले मैं बता लेता हूं, अगर 0 से 5 MQ की आपकी क्वांटिटी है कंक्रीट के, तो एक सैंपल आपको भरना है क्यूब का, मतलब एक सैंपल में 6 नग आ गए हमारे, ठीक है। 3 हमारे 7 दिन में आपको टेस्ट करना है और 3 28 दिन के लिए। अगर आपको करता है आपका होता है कि 3 दिन में भी आपको टेस्ट करना है, तो आपको एक सैंपल में 9 क्यूब आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है 6 से 15 MQ क्वांटिटी होगी, तो 2 नंबर ऑफ सैंपल तो 2 × 6 कर देना है आपको, 12 क्यूब आपको भरने हैं। अगर आपका हमारा आता है 16 से 30 तो हमारा 3 × 6 कर लेना है, इतने आपको क्यूब भरने हैं। अगर 31 से 50 MQ की हमारी क्वांटिटी होती है, 4 × 6 कर लेना है, इतने आपको सैंपल भरने हैं। अगर मोर देन 50 हो जाता है तो क्या करना है, चार भरने हैं 4 × 6 = 24 प्लस हर 50 MQ पे आपको एक ऐड करते जाना, मतलब 6 भरते जाने। और ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप मतलब क्यूब भरो। देखो अभी हमें समझना है प्रोसीजर, मेन चीज वही है कि आपको फिल कैसे करना है। देखो कंक्रीट हमारा आ गया, जब कंक्रीट आता है जो भी टीएम हो, जहाँ जो कंक्रीट यूज करने वाले हो उसका सैंपल ले लो, ठीक है। जब सैंपल ले लिया, हमें पता चल गया कि आज हमारा 5 MQ होने वाला है कंक्रीट या 10 MQ, तो हमें सैंपल कितने लेने हैं वो हमें आइडिया लग गया। अभी आगे प्रोसेस करते हैं। सामने आप देख रहे हो 150 mm by 150 mm का या 15 cm by 15 cm का बोल सकते हो क्यूब यूज़ किया गया है। तो ऐसे नॉर्मली हम 150 by 150 का ही यूज़ करते हैं, लेकिन 100 mm का भी यूज़ कर सकते हो, IS कोड कहता है। लेकिन अगर 20 mm से आपका एग्रीगेट छोटा है तभी, अगर बड़ा है तो आपको 150 by 150 का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्रोसीजर आप क्या, मैं बीच बीच में आपको बताता भी जाऊंगा, सामने प्रोसीजर चल रहा है पहले मैं थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद मैं इसका जो बेसिक है वो बताता जाऊंगा। जो क्यूब रहेगा आपको जो फिल करना है, मतलब कंक्रीट के टेस्टिंग के लिए, क्यूब को 3 लेयर में आपको फिल करना है। 150 का है आपका, तो आपको 50 mm की लेयर करनी है और 35 स्ट्रोक उसको करना है। सामने आप देख रहे हो टैपिंग कर रहे हैं, और जो स्ट्रोक करने के लिए आपको जो यूज़ करनी है रॉड, वो 16 mm की रॉड होनी चाहिए और 600 mm लॉन्ग रॉड होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और अगर आप बाय चांस 100 mm का क्यूब यूज़ कर रहे हो, मतलब 100 वो भर रहे हो, उसमें आपको 25 स्ट्रोक करनी है हर लेयर में, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो मतलब अभी सामने आप देख रहे हो हम 6 क्यूब भर रहे हैं, उसमें हमें 3 लेयर में भरना है और उसको 35 बार स्ट्रोक देनी है, ठीक है। जब भी मतलब क्यूब आपको कास्ट करना है, एक चीज़ ध्यान देनी है कि उसमें प्रॉपर वे से अंदर से ऑयल किया होना चाहिए कि कंक्रीट उसमें चिपके नहीं। दूसरा, उसको फिक्स बराबर होना चाहिए उसका नट बोल्ट, कि उसका प्लस माइनस 2 mm से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जब आप कास्ट करो उसके जॉइंट में से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना होता है जब आपको उसको क्यूब को फिल करना है। ये हो गया हमारा मतलब फिलिंग के दौरान का। अभी क्या होता है, जब एक बार आपका कास्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, मतलब टेम्परेचर में, कि उसको सेट होने के लिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद उसको जो मोल्ड होगा उसको खोलना है। उससे पहले आपको क्या कर देना है, उसको मार्किंग दे देनी है कि कहाँ का क्यूब है, क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर वे से उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग चले कि कौन से स्ट्रक्चर का ये क्यूब है। अगर इन फ्यूचर अगर बाई चांस ये फेल हुआ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट या ये स्ट्रक्चर मतलब वीक है, ये लोड अपना मतलब वेयर नहीं कर पाया और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक वो नहीं पहुँच पाया है कॉन्क्रीट कुछ वजह से। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जब आप दूसरे दिन उसको खोलो, 24 घंटे बाद उसको खोलो, तो उसको क्यूरिंग में डालने से पहले आपको क्या करना है, उसको तब तक
वेट हैजन क्लोथ होगा जो गीला करके एक मतलब बोरी ले लो, उसको ढक के रखना है, तब तक आप उसको पानी में नहीं डालो। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगर ये चीज़ें आप मतलब टेस्टिंग के दौरान ध्यान में नहीं रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है टेस्ट को, मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों का भी। मतलब टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर 27 से 30 होना चाहिए जहाँ पे वो क्यूब रखे हैं सूखने के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब उसको पानी में नहीं डाला है, बाहर रखा है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और जब आप उसको देखो पानी में डालोगे क्यूरिंग के लिए, तो जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, सामने आप जैसे क्यूब देख रहे हो पड़े हुए हैं इनका, क्योंकि हमारा टेस्टिंग का दिन रहता है 7 और 28 दिन, ठीक है, तो इस दौरान आपको 7-7 दिन बाद पानी चेंज करता ही रहना है। मतलब तब तक भी आपकी टेस्टिंग रहे, हर 7 दिन बाद आपको पानी चेंज करना है। और ये ध्यान देना है कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज़ या ऐसे भी नॉर्मल इम्प्योरिटीज़ नहीं होने चाहिए, पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको टेस्टिंग के दौरान देनी है। अगर ये चीज़ भी, क्योंकि अगर केमिकल वाला पानी होगा तो वो भी क्यूब की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट कर सकता है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप क्यूब बाहर हैंडल करो कभी, मतलब खोलने के टाइम या डालने के टाइम, तो उसके कॉर्नर्स वगैरह ये चीज़ें नहीं टूटे, वो भी स्ट्रेंथ या टेस्ट पे इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये हो गया पार्ट हमारा थर्ड। अभी उसके बाद क्या करना है, आपको करनी है उसकी टेस्टिंग का, मेन जो पार्ट है हमारे टेस्ट का। तो टेस्टिंग के पहले आप क्यों ये ध्यान देना है कि जब भी टेस्टिंग करो उसको क्यूब जो आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें पानी वानी कुछ नहीं लगा होना चाहिए, क्लीन बिल्कुल होना चाहिए, उसके बाद ही आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो सामने देखो अभी हमारा क्यूब रेडी है टेस्टिंग के लिए। उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाके उसको जब मशीन में फिक्स करो तो प्रॉपर वे से वो पूरा पैरेलल होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट से, कि लोड उस पर प्रॉपरली पड़ता रहे। इसमें मैं 3-4 क्यूब आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें देखनी है वो सब बताऊंगा मैं। इसको पहले टाइट कर लेना है जो बोल्ट होगा, उसके बाद जो, क्योंकि मशीन इसमें दो आती है, मैन्युअली भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, जो भी हो सिंपल प्रोसेसर रहता है वो हैंडल करना आपको आ जाएगा जब आप करोगे। मेन पर्पस है कि टेस्ट करना क्या क्या है, चीज़ें क्या क्या देखनी है। जैसे आप सामने देखो अभी दो मैं स्पेसिमेन चेक करके बताऊंगा, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे हम, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने एमक्यू पे कितने सैंपल भरने हैं आपको और कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, कैसे निकालना है, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कैसे हम टेस्ट करते हैं। देखो ग्रेजुअली हमें लोड डालना है, और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप लोड डालोगे उस पर तो लोड जो आपको प्रोवाइड करना है 140 kg/m² या सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड करना है। ये डिपेंड मशीन पे आप हैंड ईजिली कर सकते हो। देखो हमने लोड डाला उसको 140 kg/m² के हिसाब से, तो लोड धीरे धीरे उस पे जो स्पेसिमेन कंक्रीट का हमने क्यूब डाला है उस पे पड़ता जा रहा है। देखो सामने दिख रहा होगा आपको 300 kN 400 kN, ये धीरे धीरे उस पे लोड पड़ता जा रहा है। और ये अपने आप अगर ऑटोमेटिक है वो अपने आप रुक जाएगी, इसमें भी आपको इजीली पता चल जाता है। मैन्युअली में मैं देखो लोड उसमें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत उसमें क्रैक दिखेगा आपको, उससे आपको हमें पता चल जाएगा। देखो सामने उसमें क्रैक पड़ गया है, और यही मतलब उसका हमारा टेस्ट का था। और सामने जैसे उसमें क्रैक आया, इसमें जो इसका नीडल है वो नीचे आता रहा और दूसरा नीडल ऊपर ही है, तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितने लोड पे वे फेल हुआ। और टेस्ट के दौरान आपको ये लिखते रहना है कि कितने लोड पे फेल हुआ, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे कि आपका जो टेस्ट है कंक्रीट मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट वो पास है फेल है, या ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत 650 आपका रीडिंग आया, ये नोट करके रखो, आगे मैं रिजल्ट इसका बताऊंगा। एक और स्पेसिमेन को मैं टेस्ट करके बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको हमने डाल दिया अच्छे से वेटर वे से पैरेलल करके, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमने उस पर लोड अप्लाई कर लिया, लोड अप्लाई कर लिया, उसके बाद ऑन करके उस पर हम वेट करेंगे कि कब वो स्पेसिमेन हमारा जो टेस्ट का वो फेल होगा। और यहाँ हम लोड उस पर नोट करते जाएंगे कि कितने लोड आ रहा है और कितने पे वो फेल होता है, वो हमारा आगे रिजल्ट के काम आएगा कि कैसे हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है,
इस पे हमारा देखो स्पेसिमेन में क्रैक आ गया, ये इस पे हमारा फेल हो गया। ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे, उसके बाद अभी हम मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। ये हमारा जो रजिस्टर जिस हिसाब से रहता है, कैसे हम मेंटेन करते हैं साइड्स पे, वो है अभी मैं बताता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट की। नेक्स्ट चीज आती है जो हमारा रिजल्ट का था, उसका फार्मूला है लोड अपॉन एरिया। सिंपल फार्मूला है, नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से। तो जो लोड जैसे मैंने बताया था उस पर हमने नोट करते जाएंगे। हमारा एक आया था 650, एक आया था 600। तो 600 लेके चलता हूं, 600 डिवाइड बाय 22.5, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। अगर 150 mm by 150 mm है तो हमारा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अगर 100 mm का क्यूब है, 100 × 100 करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देना है, जो भी लोड आया होगा उसको डिवाइड कर देना है एरिया से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा आया 26.6 न्यूटन पर mm। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट आया इसमें, जो हमारा जो स्पेसिमेन यूज किया था। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा पास हुआ फेल हुआ, क्यूब टेस्ट फेल है या पास है, वो निकालेंगे हम ऐसे। देखो एक दिन में हमारा कंक्रीट पकड़ लेता है, 16% स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें एक दिन में कंक्रीट की। 3 दिन में 40% आ जाती है, 7 दिन में 65% आ जाती है, 14 दिन में 90% आ जाती है, 28 दिन में 99%। ये इर्द गिर्द होती है, थोड़ा बहुत आगे परसेंट में फर्क रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो हम इसमें M30 कंक्रीट यूज कर रहे थे, तो अब निकालेंगे हमारा जो स्पेसिमेन हम टेस्ट किया वो पास हुआ कि फेल हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, 30 और 7 दिन के लिए हम टेस्ट कर रहे थे, 30 × 65 / 100, तो हमारा आया 19.5, अगर अप्रोक्स कर लें तो 20। तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आई वहां, 26.6, तो 20 छोटा है, मतलब हमारा वो स्पेसिमेन जो टेस्ट किया वो पास हो गया। वैसे अगर हम 28 दिन के लिए करेंगे तो क्या करना है, 30 × 28 / 100, जो भी आएगी आपकी वैल्यू उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें आईएस कोड कहता है कितनी वैल्यू होनी चाहिए और आई कितनी, इससे हमारा सिंपली निकल जाएगा कि आपका जो टेस्ट किया आपने वो स्पेसिमेन पास है कि फेल है। मैं थोड़ा आपके लिए एक इजी कर देता हूं, आपको बताता हूं टेबल की हेल्प से कि आपकी जो स्ट्रेंथ अगर हम देखें 3 दिन पे कितनी होती है। अगर M20 कॉन्क्रीट पकड़ते हैं, ये आगे कैलकुलेशन करने वाले हम सब चीजें, M20 की 3 दिन पे 8 MPa स्ट्रेंथ हो गई होती है, कितनी 8 MPa। जहां आपको कोई 8 MPa बोले पीए, जहां 8 N/mm के सेम ही है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, इतनी हो गई होती है। 7 दिन पे M20 की हो गई थी 13, ये कैसे निकलती है वो भी निकल जाएगी। कैसे निकलती है आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि 3 दिन पे होती है 30%। तो अगर 20 × 30% तो 8 मिल जाएगा, और 7 दिन पे हमारी होती है 65% से 70%, 65 निकालेंगे तो 13 MPa मिल जाएगा। 14 दिन पे हमारी 18 × 8 = 20, ये आगे कैलकुलेशन करूंगा मैं, क्योंकि मोस्टली हम M20, M25, M30 करते हैं, तो इनकी मैंने स्ट्रेंथ लिख ली है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो काम आएगा। अभी करते हैं इनकी कैलकुलेशन। देखो हर चीज कैलकुलेशन करने आपको आनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, M20 कंक्रीट हम यूज कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि M20 की 7 दिन पे कितनी होनी चाहिए, ठीक है। M20 कंक्रीट हम यूज कर रहे हो, हमने टेस्ट किया, जैसे प्रोसीजर आपने पीछे देखा कैसे टेस्ट किया, तो हमें एग्जांपल ले ली 340 kN पे वो फेल हो गया, वो स्पेसिमेन 340 kN पे फेल हो गया। उसका रिजल्ट कैसे निकालना था, लोड अपॉन एरिया जैसे हमने पीछे देखा फार्मूला। तो लोड आया 340 kN था ना, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 340 N में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, और डिवाइड बाय एरिया, जो हमने एरिया निकाला था क्यूब का 2500, इनको किया तो आया 15.1 N/mm² हमारा रिजल्ट आया। और हमारा जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, टेबल में देखा, 7 दिन पे 65% हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी 65% हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और हमारी आ कितनी रही है 15.1। तो इसको निकालते हैं, तो 15.1 × 100 परसेंटेज में करना है, तो 20 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं M20, तो इसको डिवाइड कर देना, तो आपको मिल गया 75% हमारी स्ट्रेंथ आ रही है, और चाहिए हमें थी 65, मतलब 75 बड़ा हो रहा है 65 से, तो ये सैंपल हमारा पास है। एक ये तरीका है। अभी एक चीज और होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। देखो रिजल्ट निकाल के आपका काम खत्म नहीं होता है, रियल सिविल इंजीनियर वही है जो हर चीज उसके पीछे पता हो। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे क्यूब है 3, हमने सैंपल लिए थे क्यूब के, एक का रिजल्ट आया 17 N/mm²,
एक का रिजल्ट आया 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एक का आया 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमें क्या चाहिए होता है, हर एक जो रिजल्ट आता है वो एक दूसरे से 15% ना ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, ना कम होनी चाहिए, ये भी हमें आईएस कोड कहता है। तो इसकी हम एवरेज निकालते हैं, चलो तीनों रिजल्ट की, 17 + 20 + 23 / 3, तो हमें मिल गया 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारी एवरेज आती है। हमें कोड कहता है कि 15% वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम 15% रिजल्ट का निकालते हैं पहले, 20 × 15 / 15% को, तो 100 से डिवाइड, तो 3 आता है हमारा, 3, ठीक है। अभी जो हमारा रिजल्ट आया +-3 ना, देखो +-3 कैसे समझो, पहले 20 - 3 करना है हमें, 20 × -3 = 17, तो हमारी सबसे कम वैल्यू जो होनी चाहिए वो 17 होनी चाहिए, और +3 (20 + 3) वो होनी चाहिए 23। तो मतलब एक वैल्यू हमारी 17 होनी चाहिए, एक होनी चाहिए 23, उसके बीच की कोई भी वैल्यू चलेगी, 18 आती है ठीक है, 19 आती है ठीक है, 20, 21, 22, 23, लेकिन अगर 24 आती है तो वो रिजल्ट खराब हो सकता है, वो रिजल्ट सही नहीं आया, वो कुछ लोचा है। जब आपकी 16 आती है, 15 आती है, तो समझ लो क्या मतलब, आपको 15% रिजल्ट में आना चाहिए, तो ये चीज भी आपको चेक करनी है। तो हर चीज इस टेस्ट में मैंने आपको कंप्लीट बता दी, तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।